हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के दिन हम देखने वाले हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में सारे टाइप्स के इंश्योरेंस कौन कौन से टाइप के होते हैं मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, बताऊँगा बाद में। तो अभी देखते हैं, मैं ऑलरेडी सर्च करके रखा था, मैं बैक कर लेता हूँ। तो हमने सर्च किया है इंश्योरेंस। अभी व्हाट इज़ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिसी इन विच अ पॉलिसी होल्डर रिसीव्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और अगेंस्ट लॉसेस फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। द कंपनी पॉलिसीज क्लाइंट्स रिएक्ट टू मेक पेमेंट्स मोर अफोर्डेबल फॉर द इंश्योर्ड। मोस्ट पीपल हैव सम इंश्योरेंस फॉर देयर कार, हाउस, हेल्थ केयर। तो एक्चुअल में क्या होता है ना इंश्योरेंस की, अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल लॉस हो गया, जैसे कि आपका समझ लो कि आपका कार है, आपके कार का कुछ एक्सीडेंट हो गया, आपकी कार गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, अगर आपने कार का इंश्योरेंस किया हुआ है तो फिर आपको जा करके रिपेयर करने में जो भी आपका पैसा लगेगा ना, वो पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी जिसमें आपने उसका इंश्योरेंस कराया हुआ है। इससे आपका फाइनेंशियल खर्च बच जाता है। एक्चुअली अगर आप कार का इंश्योरेंस निकालते भी हो, आपको निकालते टाइम ध्यान देना है कि कार किसके नाम पर है, क्योंकि तो बिकॉज पॉलिसी होल्डर है जहाँ पर नाम का बहुत महत्व रहता है। अगर नाम नहीं रहेगा बराबर तो लोग देते नहीं है। तो आप लोग अगर इंश्योरेंस निकालते हो तो फिर हाल में अच्छी कि इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और साथ ही में आपको कुछ हेड अटैक वगैरह नहीं रहता है। जैसे कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो आप सोचोगे अरे यार मैं इतना बच्चा कहाँ से लाऊं, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको इंश्योरेंस कंपनी से वो आपको प्रोवाइड कर देती है। और क्या है, हाँ आप घर का भी इंश्योरेंस ले सकते हो। घर का इंश्योरेंस तो कोई लेता नहीं वैसे। अगर आप हेल्थ केयर में इंश्योरेंस लेते हो तो फिर अगर आप कोई मेडिकल इशू होता है, बीमार पड़ते हो, अगर आप एडमिट होते हो तो लाख दो लाख का बिल तो ऐसे ही बन जाता है आजकल। तो वो भी आपको मेडिक्लेम कंपनी प्रोवाइड करेगी अगर आपने मेडिक्लेम कराया हुआ है तो। तो बस यही बताने का था कि अगर आपके पास इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस निकालना चाहते हो तो आप लोग को इतना कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। और एक्चुअल में हर एक पर्सन के पास इंश्योरेंस रहना ही चाहिए। तो बस इतना ही, अगर आप लोग को समझ में आ गया हो इंश्योरेंस क्या है तो फिर आप लोग मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, कुछ नया लेके आएंगे। बाय बाय।